वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो जो करते हैं तो यहाँ पर फंटास्टिक फोर के कैरेक्टर के मैं रिबूक कर चुका हूँ और अभी बारी है न्यू यूनिफॉर्म की। यहाँ पर लेता हूँ मैं सबसे पहले क्रिस्टल की। इसका यूनिफॉर्म कैसा है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिखने में मेडुसा जैसी लग रही है और यहाँ पर इसका लुक थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर गेम डेवलपर ने काफ़ी ज़्यादा हॉट बनाया इसको। ग्राफिक तो देखो, और अब ग्राफिक पे काफी ज्यादा पैसा खर्चा किया है इन लोगों ने। इसको भी पोटेंशियल दे दिया। अब इसको पोटेंशियल देने की क्या जरूरत थी? न्यू यूनिफॉर्म दिया तो दिया, पोटेंशियल देने की क्या जरूरत थी? क्या मजाक लगा रखा है यार गेम डेवलपर यार। कचरा कर दिया यहाँ पर, कचरा कर दिया, टोटली कचरा कर दिया यहाँ पर। सही में गेम का कोई कचरा कर रहे हैं लोग। चलो आ गई क्रिस्टला। इसका स्किल नंबर 3 में इम्प्रूवमेंट क्या है और स्किल नंबर 5 में इम्प्रूवमेंट है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो इसका स्किल नंबर 3 यूज़ करता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसका स्किल नंबर 3 में अच्छा स्किल्स देखने को मिल रहा है, साथ में क्रिस्टल वाटर आइस अटैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्किल नंबर 2 वही पुराना वाला अटैक है। उसके बाद में स्किल नंबर सॉरी 1 में था, स्किल नंबर 2 में यहाँ पर आई फ्रेम है और एक शील्ड भी है। उसके बाद में फायर डैमेज है। उसके बाद स्किल नंबर 5 में यहाँ पर अरे बाप अरे बाप, ये यूनिफॉर्म परचेस करना पसंद करूँगा मैं। स्किल नंबर 4 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। चलो इसका वापस से मैं रिसेट करके अटैक देखता हूँ। इसको टायर 3 दे देने चाहिए था, मजा गया था। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले स्किल नंबर 1 टेस्ट करते हैं। यहाँ पर स्किल नंबर 1 में यहाँ पर वही है। उसके बाद में यहाँ पर स्किल नंबर 2 में बर्न डैमेज 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए जलेंगे। उसके बाद इनविजिबल है 1 सेकंड के लिए। उसके बाद स्किल नंबर 3, स्किल नंबर 3 में है डिक्रीज ऑल स्पीड बाय 5%। उसके बाद में 50% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज। उसके बाद में स्किल नंबर 2 में चेक करते हैं। अब यहाँ पर अच्छा चेक कर लिया मैंने, सॉरी स्किल नंबर 5 में चेक करते हैं। स्किल नंबर 5 में यहाँ पर मिसिंग अटैक 5 सेकंड के लिए। उसके बाद गार्ड अगेंस्ट हिट 5 सेकंड के लिए। स्किल नंबर 4 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाइंड है 3 सेकंड के लिए और आई फ्रेम है, एनिमीज मिसिंग अटैक है 5 सेकंड के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूनिफॉर्म दिया हुआ है। मैं इस यूनिफॉर्म को परचेस करना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नेक्स्ट अपडेट जो आने वाले है उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं अपने क्रिस्टल, मेरे जो क्रिस्टल्स है जो 4000 वगैरह वगैरह ब्ला 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 मेरे पास क्रिस्टल है, वो इस यूनिफॉर्म पे मैं खर्चा अभी नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यूनिफॉर्म मुझे लेना चाहिए, कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा, तो ऐसे में आप लोग यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हो। ये कैरेक्टर कहाँ मिलेगी आपको? स्टोरी मिशन में, उसका बायोमेट्रिक्स मिल जाएगा। यूनिफॉर्म परचेस करना बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो पता ही आपको। ओके, कैरेक्टर काफ़ी अच्छी है, यूनिफॉर्म भी इसका अच्छा है। मैं सोचता था कि काफ़ी घटिया होगा, लेकिन ये घटिया नहीं है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। 30% एनर्जी अटैक ऑल अलायंस के लिए। उसके बाद में चलो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इसका बैंड। थैंक यू, कैरेक्टर काफ़ी अच्छी है, लेना तो ले सकते हैं वगैरह। यूनिफॉर्म अभी फिलहाल तो आप लोग अपने क्रिस्टल तो बचा के रखो, नेक्स्ट अपडेट पता नहीं कैसे कैसे आने वाले, तो बचा के रखो। मेरे पास अभी क्रिस्टल है, मेरे पास अभी 4424 क्रिस्टल है।